की दूसरी लहर की चेन को ब्रेक करने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा 7 दिनों का कड़ा लॉकडाउन लागू कर दिया। पहले दिन सोमवार को नागरिकों का भारी प्रतिसाद मिला, सभी ने प्रशासन का सहयोग किया। सोमवार की दोपहर वर्धमान नगर स्थित रेडियंस अस्पताल में उस समय खलबली मच गई जब उपमहापौर मनीषा धावड़े ने एनडीएस और मनपा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ यहां पर छापामारी की। यशोधरा नगर थाना अंतर्गत संजय बाग कॉलोनी परिसर में पुराने मकान का मलबा हटने का काम कर रहे मजदूर पर दीवार ढह गई, मलबे के नीचे दबकर मजदूर की मौत हो गई। कोरोना प्रादुर्भाव के बीच रेलवे में ट्रेनों के साथ कुछ सीमित सुविधाओं में विस्तार भी जारी है। हालांकि इस बार स्टेशन पर कम भीड़ रखने के नाम पर रेलवे द्वारा ये सुविधाएं पहले के मुकाबले महंगी कर दी गई है। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश वीडी इंगले ने मेडिट्रीना अस्पताल के संचालक डॉक्टर समीर पाटिलवार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सोमवार को जिले में कुल 8,666 लोगों की जांच की गई, इनमें 2,297 में संक्रमण पाया गया, वहीं 12 मरीजों की मौत भी हुई। मुंबई से नागपुर के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट ट्रेन दौड़ने की योजना बनाई गई है। इस बुलेट ट्रेन के लिए मुंबई से नागपुर तक अत्याधुनिक लीडार प्रणाली के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। कोरोना महामारी के साए में भी इस बार का जिला परिषद का बजट पिछले वित्तीय वर्ष से अधिक का होगा। जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 का संस्करण बजट 35 करोड़ के करीब होगा, जिसे 16 मार्च को दोपहर 1 बजे आयोजित जिला परिषद की आम सभा में वित्त सभापति भारती पाटिल पेश करेगी। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक बेरोजगार युवक ने फांस लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक राष्ट्रसंत टुकड़ोजी नगर निवासी प्रवीण गौतम भस्मे बताया गया। कोरोना वायरस के खौफ के चलते एसटी में यात्रियों की संख्या काफी तेजी से घट रही है। लॉकडाउन के पहले ही दिन बस स्टैंड पर इसका असर देखने मिला।